हेलो एनीमे लवर्स, स्वागत है आपका वाइपर एनीमे एक्सप्लेन चैनल पर। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं वन पंच मैन एनीमे सीरीज को। दोस्तों, ये कहानी एक ऐसे हीरो की है जो इतना पावरफुल है कि सिर्फ एक मुक्के में वो किसी को भी मार सकता है। इस एनीमे के सीजन 1 में टोटल 12 एपिसोड्स हैं और आज के इस वीडियो में मैं शुरू के 4 एपिसोड को एक्सप्लेन करूंगा, यानी कि 3 वीडियोस में हम इस पूरे सीजन को खत्म करेंगे। तो अब चलिए जानते हैं इस कमाल के एनीमे की कहानी को बिना किसी देरी के। दोस्तों, ओपीएम की दुनिया कई सारे सुपर हीरोज और विलन से भरी हुई है। कहानी की शुरुआत ए सिटी नाम के एक शहर से होती है, जिस पर एक शक्तिशाली मॉन्स्टर तबाही मचाने लगता है और पूरे शहर में दहशत फैल जाती है। इस तबाही की खबर न्यूज चैनल पर देखकर एक टकला आदमी अपनी कॉस्ट्यूम पहनकर घर से बाहर निकलता है, जिसका नाम सैतामा है, और ये बस मजे के लिए हीरो बना है। इधर वो मॉन्स्टर एक लड़की को मारने ही वाला था, लेकिन सैतामा सुपर स्पीड से उस लड़की को बचा लेता है। इसके बाद ये मॉन्स्टर बताता है कि इसका नाम वैक्सीन मैन है और ये इंसानों के फैलाए पॉल्यूशन से जन्मा है, और अब ये सभी इंसानों को खत्म करके उनसे और उनके पॉल्यूशन से धरती को मुक्त कराएगा। इतना कहते हुए ये मॉन्स्टर अपने सबसे शक्तिशाली रूप में आ गया था, लेकिन सैतामा उसे एक हल्का सा मुक्का मारता है और इस मॉन्स्टर की मौत हो जाती है। इसके बाद कहानी 3 साल पहले जाती है, जब सैतामा एक आम इंसान हुआ करता था और बेरोजगार भी। एक दिन उसकी मुलाकात क्रैब मॉन्स्टर से होती है, जिसने इतने केकड़े खा लिए थे कि वो ऐसा बन गया। ये मॉन्स्टर अपने रास्ते में आए सभी इंसानों को मारता जा रहा था। सैतामा इससे बिल्कुल भी नहीं डरता, क्योंकि वैसे भी उसकी जिंदगी झंड थी और उसे कोई भी जॉब नहीं दे रहा था। ये सुन क्रैब मैन को सैतामा पर दया आ जाती है और वो उसे जिंदा छोड़कर आगे बढ़ जाता है, क्योंकि वो एक बड़ी चिन वाले बच्चे का शिकार करने निकला था। थोड़ा आगे जाने पर सैतामा को वही बच्चा मिल जाता है। इसने क्रैब मैन की छाती पर गंदी सी ड्राइंग बना दी थी जब वो सो रहा था, और इसीलिए वो इस बच्चे को मारने के लिए खोज रहा है। थोड़ी ही देर में क्रैब मॉन्स्टर उस बच्चे के पास पहुंच जाता है और उस बच्चे को मारने की कोशिश करता है, लेकिन सैतामा एक अच्छा इंसान था और वो उस बच्चे को बचा लेता है। इसके बाद सैतामा की बुरी तरह से पिटाई भी होती है, लेकिन वो हार नहीं मानता और किसी तरह उस मॉन्स्टर को मारने में कामयाब हो जाता है। वो अपनी टाई से उस मॉन्स्टर की आंख खींच लेता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। उस दिन के बाद सैतामा ने खुद को इतना ज्यादा ट्रेन किया कि वो बहुत शक्तिशाली बन गया, लेकिन इसमें उसके सारे बाल भी चले गए। आज सैतामा के सामने कोई भी विलन टिक नहीं पाता, और इसी वजह से सैतामा बोर होने लगा है, क्योंकि कोई विलन उसकी टक्कर का है ही नहीं, तो उसे लड़ने में मजा नहीं आता। सैतामा इस समय एक शॉपिंग मॉल में था कि अचानक ही यहाँ एक विशालकाय दानव निकल कर जाता है। इस दानव का नाम कोलोसल मैन है, जो सीधा रेफरेंस है कोलोसल टाइटन से, लेकिन ये कोलोसल मैन साइज में बहुत ही ज्यादा बड़ा है। हमें इसकी बैक स्टोरी बताई जाती है। ये आदमी एक बॉडी बिल्डर था और दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बनना चाहता था, और इसका बड़ा भाई जो कि एक साइंटिस्ट है, उसने एक ऐसा स्टेरॉइड बनाया जिसे पीने से ये आदमी एक विशाल मॉन्स्टर में बदल गया। ये इतना ताकतवर है कि अपनी एक फूंक से पूरे शहर को तबाह कर सकता है, और अब ये दोनों भाई दुनिया को जीतने निकले हैं। साइंटिस्ट देखता है कि कोलोसल के दूसरे कंधे पर सैतामा बैठा हुआ था, तो वो कोलोसल को ऑर्डर देता है कि अपने कंधे पर बैठे इंसान को मार दे। अब कोलोसल लेफ्ट की जगह राइट वाले कंधे पर थप्पड़ मारता है, जिस पर उसका भाई खड़ा था, और उसकी मौत हो जाती है। इससे कोलोसल बहुत गुस्सा हो जाता है और सैतामा को नीचे पटक कर उस पर मुक्कों की बारिश कर देता है, और उसे लगता है कि सैतामा मर गया। कोलोसल अब सच में दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बन गया था, लेकिन अपने भाई की मौत के बाद उसे अंदर से खालीपन महसूस हो रहा था। तभी सैतामा उड़ते हुए कोलोसल के पास आता है और सिर्फ एक मुक्के में कोलोसल को मार गिराता है। अब इतना पावरफुल होने की वजह से सैतामा को कुछ भी फील नहीं होता, खुशी, दुख, डर, गुस्सा, कुछ भी नहीं। उसके शरीर पर अब एक खरोज भी नहीं आती है। सैतामा अब अपने शहर सिटी जेड में अकेला रहता है, क्योंकि बाकी सब लोग मॉन्स्टर के डर से यहाँ से भाग गए हैं। अगली सुबह पाताल में से कुछ मॉन्स्टर्स निकलकर बाहर आते हैं, जिनका नाम सबटेरेनियन होता है। इनकी बढ़ती तादाद की वजह से
इनका पाताल में रहना मुश्किल हो गया था, इसीलिए अब ये धरती पर रहने आ गए हैं। और इन्होंने ऑलरेडी धरती के 70% ह्यूमंस को खत्म कर दिया था। सैतामा ये जानकर चौंक जाता है कि ये लोग सच में उसकी टक्कर के हैं और उसे चोट पहुंचा सकते हैं। सैतामा बड़ी मुश्किल से इन सबको मारता है और उसे अब काफी खुशी हो रही थी। आखिर में सबटेरानियन का राजा सैतामा से लड़ने बाहर आता है और फिर पता चलता है कि सैतामा तो इतनी देर से सपना देख रहा था। इसके बाद बाहर सच में कुछ मॉन्स्टर्स पाताल से बाहर निकलते हैं, लेकिन उनका राजा सैतामा के एक मुक्के में ही मारा जाता है। और ये देख बाकी मॉन्स्टर्स पतली गली से भाग जाते हैं। कुछ देर बाद न्यूज चैनल पर दिखाया जाता है कि कई मच्छरों का बड़ा झुंड सिटी जेड की तरफ आ रहा है। एक मच्छर सैतामा के घर में भी आ जाता है, लेकिन सैतामा उसे मार नहीं पाता और बस ताली मारता रह जाता है। इधर बाहर इन मच्छरों का झुंड एक आदमी का सारा खून चूस लेता है। ये खून वो अपनी रानी मॉस्किटो गर्ल को ले जाकर देते हैं, जिसकी शक्ति खून पीने से ज्यादा बढ़ती है और वो ही इन सभी मच्छरों को कंट्रोल करती है। मॉस्किटो गर्ल के सामने जेनोस नाम का एक साइबोर्ग होता है, जिसका पूरा शरीर मशीन से बना हुआ है, जिसकी वजह से ये काफी शक्तिशाली है और बड़े बड़े धमाके भी कर सकता है। जेनोस एक ही धमाके में मॉस्किटो गर्ल के पूरे झुंड को जला देता है। इसके बाद मॉस्किटो गर्ल अपने बाकी मच्छरों को और ज्यादा ब्लड लाने को बोलती है, जिससे वो और भी शक्तिशाली हो जाती है। इधर सैतामा भी उस एक मच्छर के पीछे भागता हुआ यहाँ आता है। जेनोस उसे सलाह देता है कि वो शहर छोड़कर भाग जाए। इसके बाद मॉस्किटो गर्ल के सभी मच्छर इन पर हमला करने आते हैं, तो जेनोस एक और बड़ा धमाका कर बाकी बचे हुए सभी मच्छरों को जला देता है। पर वो ये देखकर चौंक जाता है कि सैतामा वहीं खड़ा हुआ था और उसे एक खरोंच तक नहीं आई थी। इसके बाद मॉस्किटो गर्ल पूरी ताकत से जेनोस पर अटैक कर देती है। वो उसके पुर्जे पुर्जे अलग करने लगती है। उसने जेनोस को मार ही डाला था, लेकिन वो तभी सैतामा के एक थप्पड़ से मारी जाती है। अब जेनोस जानता है कि सैतामा कोई मामूली आदमी नहीं है और वो सैतामा से रिक्वेस्ट करता है कि वो जेनोस को अपना शिष्य बना ले। सैतामा मजाक में उसे हाँ बोल देता है, लेकिन अगले दिन जेनोस सैतामा के घर पहुंच जाता है। उसने अपनी बॉडी पार्ट्स रिप्लेस करवा लिए थे और वो सैतामा को अपनी बैक स्टोरी बताता है। 4 साल पहले जेनोस भी एक आम इंसान हुआ करता था और अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहता था, लेकिन एक दिन एक पागल साइबोर्ग ने जेनोस के पूरे गांव को तबाह कर दिया, जिसमें जेनोस का परिवार मारा गया। किस्मत से जेनोस जिंदा बच गया और उसकी मुलाकात डॉक्टर कुसेनो से हुई, जिसने जेनोस की सर्जरी कर उसे एक शक्तिशाली साइबोर्ग बना दिया। और अब जेनोस का सिर्फ एक ही गोल है, उस पागल साइबोर्ग को ढूंढकर उसे खत्म करना, और उसके लिए वो सैतामा की तरह ताकतवर बनना चाहता है। जेनोस की बातें सुन सैतामा बुरी तरह से पक गया था। इधर जंगल में हम एक फैसिलिटी देखते हैं, जिसमें बैठे एक डॉक्टर जीनस को सैतामा के बारे में पता चलता है और वो उसे अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए पकड़ने का मन बनाता है। वो अपने कुछ मॉन्स्टर्स को सैतामा को पकड़ने भेजता है, जिनमें से 3 को सैतामा एक मुक्के में ही मार देता है। एक साइबोर्ग आर्मर्ड गोरिल्ला जेनोस से फाइट करता है। इधर सैतामा पर भी बीस्ट किंग अटैक करता है, लेकिन सैतामा आराम से उन सभी को हैंडल करके बीस्ट किंग को एक नॉर्मल पंच में मार गिराता है। इधर जेनोस ने भी आर्मर्ड गोरिल्ला को हरा दिया था और वो डर के मारे इन्हें सब कुछ बता देता है कि वो लोग हाउस ऑफ एवोल्यूशन नाम की जगह से आए हैं, जिसे डॉक्टर जीनस नाम का आदमी चलाता है। डॉक्टर जीनस एक बहुत ही ज्यादा ब्रिलियंट साइंटिस्ट हुआ करता था और इंसानों की प्रजाति को ही बदलकर उन्हें इवॉल्व करना चाहता था, यही उसका मकसद था। लेकिन उसके इस आइडिया में किसी ने भी उसका सपोर्ट नहीं किया, तो जीनस खुद ही इस पर काम करने लगा। करीब 70 साल का होने के बाद उसने ऐसा फॉर्मूला बना लिया जिससे उसने खुद को फिर से जवान कर लिया। इसके बाद उसने अपने शरीर के कई सारे क्लोन्स भी बनाए और फिर उन क्लोन्स और एनिमल्स का DNA मिलाकर उसने कई एक्सपेरिमेंट्स किए और कई नए मॉन्स्टर्स को पैदा किया। सैतामा गोरिल्ला की बात काटते हुए कहता है कि बक बक बंद करो और पॉइंट पर आओ, जिस पर गोरिल्ला बताता है कि उस साइंटिस्ट को सैतामा चाहिए ताकि उसके शरीर पर वो रिसर्च और एक्सपेरिमेंट्स कर सके। इसके बाद जेनोस गोरिल्ला से पूछता है कि 4 साल पहले उसके किसी साइबोर्ग साथी ने किसी गांव पर अटैक किया था या नहीं, जिस पर गोरिल्ला बोलता है कि इसके बारे में वो कुछ नहीं जानता। इसके बाद सैतामा और जेनोस हाउस ऑफ एवोल्यूशन की बिल्डिंग के पास जाते हैं।
और जेनोस एक ही ब्लास्ट में पूरी बिल्डिंग को ही राख कर देता है ताकि एक ही बार में सारे दुश्मन मारे जाएं। इसके बाद इन्हें बेसमेंट में जाने का रास्ता मिलता है जिसके अंदर उस साइंटिस्ट ने अपना हुकुम का इक्का यानी कि सबसे खतरनाक मॉन्स्टर कार्नेज कबूटो को छुपाया हुआ था और वो उसे सैतामा को मारने के लिए आजाद कर देता है। कार्नेज सैतामा से यहाँ के सबसे बड़े रूम में मिलता है ताकि ये लोग आसानी से फाइट कर सकें। पहले जेनोस अपनी पूरी पावर से कबूटो पर अटैक करता है लेकिन कबूटो को उसके अटैक से खरोज भी नहीं आती और वो जेनोस की हालत बुरी कर देता है। इसके बाद वो सैतामा के ऊपर भी अटैक करने जाता है लेकिन उसके पास जाते ही कबूटो को पता चल जाता है कि सैतामा कितना पावरफुल है तो वो तुरंत ही उससे दूर भाग जाता है। ये देख साइंटिस्ट को यकीन नहीं होता कि उसका बनाया सबसे शक्तिशाली मॉन्स्टर किसी से डर गया। कबूटो सैतामा से चिल्लाकर पूछता है कि आखिर वो इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हुआ और सैतामा की शक्ति का राज जानने के लिए साइंटिस्ट भी उसके पास आ जाता है और सैतामा कहता है कि अगर तुम जानना चाहते हो तो मैं बता देता हूँ। ध्यान से सुनो जेनोस, मुझे पूरे 3 साल लगे हैं इतना स्ट्रॉन्ग होने के लिए और इसके लिए मैंने बहुत कड़ी ट्रेनिंग की है। 100 पुशअप्स, 100 सेटअप्स, 100 स्क्वैट्स और 10 किलोमीटर रनिंग, तुम्हें ये सब करना होगा वो भी हर रोज। और हाँ, तुम गर्मी में एसी और ठंड में हीटर का बिल्कुल यूज नहीं कर सकते भले ही तुम्हें कितनी भी परेशानी आए। और यही ट्रेनिंग करने से मेरे बाल चले गए लेकिन मैं इतना स्ट्रॉन्ग बन गया हूँ। अब किसी को भी सैतामा की बात पर यकीन नहीं होता। जेनोस उसे बोलता है कि गुरुजी मजाक बंद करो, ये ट्रेनिंग बस नॉर्मल है और कोई इंसान भी कर सकता है इसको, हमें तुम्हारी पावर का असली सीक्रेट जानना है। जिस पर सैतामा बोलता है कि जेनोस तुम मानो या ना मानो लेकिन मैंने बस यही सब किया था। अब सैतामा की ये बातें सुन कबूटो बहुत गुस्सा हो जाता है और अपने अल्टीमेट रूप कार्नेज मोड में आ जाता है और कहता है कि इस रूप में वो पूरे हफ्ते लड़ सकता है। और फिर कबूटो सैतामा को पीटने लगता है। सैतामा सोचता है कि मैं इससे पूरे हफ्ते नहीं लड़ सकता क्योंकि आज शनिवार है और आज सुपरमार्केट में सेल लगी है। इतना कहते हुए सैतामा कबूटो को एक मुक्का मारता है और कबूटो के चीथड़े उड़ जाते हैं। इसके बाद सैतामा और जेनोस सेल में सामान खरीदने के लिए यहां से भाग जाते हैं और ये सब देख साइंटिस्ट डिसाइड करता है कि वो अपने एक्सपेरिमेंट्स बंद कर देगा। अगर किसी को बदलने की जरूरत है तो उसे खुद को। अगले एपिसोड की शुरुआत हैमरहेड नाम के एक गुंडे और उसकी गैंग से होती है। हैमरहेड एक ऐसी दुनिया चाहता था जिसमें सिर्फ वही लोग काम करें जो काम करना चाहते हैं और उसके जैसे बेरोजगारों को घर बैठे बैठे सैलरी मिले, लेकिन उसकी बात को कोई भी सीरियसली नहीं लेता। तो हैमरहेड इस टाउन के सबसे अमीर आदमी जेनिरू को लूटने उसकी बिल्डिंग के पास जाते हैं और एक मुक्के में उसकी पूरी बिल्डिंग गिरा देते हैं। इस पूरी गैंग ने चोरी किए हुए बैटल सूट्स पहने हुए थे जिनसे ये इतने पावरफुल बन गए हैं, लेकिन हैमरहेड को पता चलता है कि उन्होंने गलत बिल्डिंग गिरा दी है और जेनिरू का घर थोड़ा आगे है। वहीं इधर सैतामा एक बुरा सपना देखते हुए जागता है। न्यूज चैनल पर हैमरहेड की खबर ही आ रही थी जिन्हें सैतामा सीरियसली नहीं लेता, लेकिन फिर उसे पता चलता है कि हैमरहेड और उसकी पूरी गैंग ने अपना सर गंजा करवाया हुआ है और क्योंकि सैतामा भी गंजा है तो उसे देखकर भी लोग उसे विलन समझ सकते हैं, इसीलिए वो इन्हें रोकने का मन बना लेता है। इधर हैमरहेड की गैंग पूरे शहर में तबाही मचा रही थी। एक सी क्लास हीरो मुमुएन राइडर इन सब का सामना करने आता है। इसके पास कोई सुपर पावर नहीं है और ये बस साइकिल चलाना जानता है, इसीलिए इसकी बुरी तरह से पिटाई हो जाती है। इधर वो अमीर आदमी जेनिरू इस गैंग से खुद को बचाने के लिए अपने बॉडीगार्ड स्पीडो साउंड सोनिक को हायर करता है। सोनिक एक निंजा है और उसके पास सुपर स्पीड है। सोनिक हैमरहेड की गैंग के पास जाकर उन्हें चेतावनी देता है कि उससे जो भी लड़ाई करता है वो जिंदा बचकर नहीं भाग पाता। इसके बाद सोनिक अपनी सुपर स्पीड से हैमरहेड गैंग के सभी मेंबर्स की गर्दन काट कर उन्हें मार देता है। वहीं इधर शहर में लोग सैतामा का गंजा सिर देख उसे आतंकवादी बुला रहे थे। इधर सोनिक हैमरहेड के सिर में भी एक चाकू घुसाकर उसे मार देता है, लेकिन फिर भी हैमरहेड वहां से अपनी जान बचाकर भाग जाता है क्योंकि उसके सिर का साइज नॉर्मल ह्यूमन से काफी मोटा था, इसीलिए उसकी जान बच गई। भागते हुए उसे रास्ते में सैतामा मिलता है जो खुद भी उसे मारने आया था।
हैमरहेड अपने सूट की पूरी पावर से सैतामा पर अटैक करता है, लेकिन सैतामा को खरोज भी नहीं आती है और वो हल्की सी कोहनी मारकर हैमरहेड का पूरा सूट ही चकनाचूर कर देता है। लेकिन सैतामा उसे मारता नहीं है क्योंकि उसे हैमरहेड पर दया आ जाती है और हैमरहेड उसे प्रॉमिस करता है कि अब से वो कोई गलत काम नहीं करेगा और नंगा ही यहाँ से भाग जाता है। अब कुछ देर बाद सोनिक भी सैतामा से टकराता है और सैतामा के गंजे सिर को देख उसे लगता है कि सैतामा भी हैमरहेड की गैंग का मेंबर है। सैतामा उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो एक हीरो है, कोई विलन नहीं, लेकिन सोनिक उसकी बात नहीं मानता क्योंकि उसने कभी सैतामा नाम के हीरो के बारे में नहीं सुना है। वो सैतामा पर अपनी पूरी स्पीड से अटैक करने लगता है, लेकिन सैतामा बड़ी आसानी से उन सभी अटैक से बच जाता है और गलती से उसका हाथ सोनिक के अंडों पर जा लगता है। सोनिक को बहुत दर्द होता है और वो सैतामा से कहता है कि वो वापस जाकर ट्रेनिंग करेगा और जब अगली बार वो मिलेंगे तो सोनिक सैतामा को हरा के दिखाएगा। शाम को सैतामा सोनिक के बारे में जेनोस को बताता है, जिसने फिर से नए बॉडी पार्ट्स लगवा लिए थे, और आज के दिन सैतामा जेनोस से वापस घर जाने को बोलता है क्योंकि उसे किसी और चीज की चिंता हो रही थी और वो ये कि कोई जानता ही नहीं है कि सैतामा कौन है। पिछले 3 सालों से सैतामा हीरो बनकर काम कर रहा है और उसने सैकड़ों मॉन्स्टर्स को मारा है, लेकिन अब तक उसका कोई फैन क्लब भी नहीं है। जेनोस को भी याद आता है कि हैमरहेड की गैंग को हराने का सारा क्रेडिट भी उस साइकिल वाले हीरो को दे दिया गया था और सैतामा को किसी ने भी कहीं पर भी मेंशन नहीं किया था। इसके बाद जेनोस सैतामा से पूछता है कि उसने हीरो रजिस्ट्री में अपना नाम लिखवाया है या नहीं। इसके बाद सैतामा को हीरो रजिस्ट्री के बारे में पता चलता है, जिसे ज्वाइन कर कोई भी प्रोफेशनल हीरो बन सकता है। उन्हें बस एक हीरो टेस्ट को पार करना होगा और उसके बाद उनकी रैंक के हिसाब से उन्हें सैलरी भी दी जाती है। दुनिया भर से मिले डोनेशन में से सैतामा को इस एसोसिएशन के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। वो जेनोस से कहता है कि हम दोनों साथ में इसमें रजिस्टर करेंगे और फिर सैतामा जेनोस को अपना शिष्य बना लेगा। इधर हैमरहेड को 2 साइबॉर्ग्स मार के चले जाते हैं। ये वही थे जिनसे हैमरहेड ने बैटल सूट चुराए थे, लेकिन उनके जाने के बाद हमें पता चलता है कि हैमरहेड अपने मोटे सिर की वजह से एक बार फिर से जिंदा बच गया है। वो इसके लिए अपनी मम्मी को थैंक यू बोलता है और एपिसोड नंबर 4 यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, आपको ये एनिमे सीरीज कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। अगले एपिसोड में सैतामा और जेनोस हीरो टेस्ट देने वाले हैं। क्या वो उसमें पास हो पाएंगे? क्या कोई विलन सैतामा को टक्कर दे पाएगा? ये सब हम जानेंगे अगले एपिसोड्स में। तो अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कमेंट शेयर जरूर करिए और अगले पार्ट को मिस ना करने के लिए हमारे चैनल वाइपर एनिमे एक्सप्लेन्ड को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आपसे हमारा कोई भी शानदार वीडियो मिस ना हो सके। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्द अगले पार्ट्स के साथ अगले वीडियो में। शुक्रिया।